हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पायल जोन एक्सपोजेस मिथ पैट वेडिंग। अरे, शादी हो गई है? अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं है कब हुई है। तो चलो देखते हैं ये क्या भैया एक्सपोजेस, क्या एक्सपोज कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पायल जोन, देखो मिथपैट भाई की शादी में मैं भी गया था। अच्छा? मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स दिखे वहाँ, लेकिन जब रिसेंटली मेरे को ये वीडियो रिकमेंड हुआ, आई वेंट टू मिथपैट वेडिंग, मैं बोला है मैंने तो नहीं देखा। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अब ये मेरे और खबरेश की तरह तो है नहीं, जो सेम सेम दिखती है किसी और की तरह। ये शादी में खबरेश चला गया था, आज मैं एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। सॉरी मिथपैट। दो दिन बाद मैंने ये वीडियो देखा, मिथपैट डिमांडेड डाउरी फ्रॉम उर्मिला, मिथपैट ने दहेज मांगी उर्मिला। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से अभी अभी काफी ज्यादा बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है मिथपैट और उर्मिला के बारे में। अभी अभी इन लोगों की शादी हुई है थोड़े टाइम पहले। मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आज ये वीडियो मेरे को खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि मिथपैट मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं। लेकिन मिथपैट ने ऐसी हरकत करी है, तो जरूरी है आप लोगों को मैं बताऊं कि उन्होंने क्या किया है। सो गाइस, बहन बिल्डअप तो ऐसा दे रही है, 11 मुल्कों की पुलिस मिथपैट को ढूंढ रही है। माय नेम इज मिथपैट। मिथपैट इतना स्वीट बंदा है कि मच्छर भी सिर्फ माइनक्राफ्ट में मारता होगा। मिथपैट इतना स्वीट है कि उसको हेट कमेंट्स में भी भाई बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली ये आता होगा। इधर एक दो दिन में वीडियो नहीं डालता, मेरे घर के बाहर मोर्चा लग जाता है। सास गारी देवे, देवर समझा ले पे। एनीवेज, क्या बोल रही है ये? पहले ही उर्मिला की फैमिली मिथपैट को बहुत सारे सामान दे चुकी है, अपनी तरफ से बहुत सारा गिफ्ट दे चुकी है, जो कि दहेज के नाम पे नहीं लेकिन तिलक के नाम पे, गिफ्ट्स के नाम पे दे चुकी है कि भाई हमारी तरफ से मिथपैट के लिए है। लेकिन तभी भी मिथपैट कुछ, इसको कैसे मालूम कि इसकी फैमिली बहुत सामान गिफ्ट दे चुकी है? ये क्या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या उनके? जस्ट किडिंग भाई, इसकी फैमिली इसको खुद के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लेती रहेगी। उर्मिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि भाई तुम अपने मायके से और ज्यादा चीजें मांगो, जो उर्मिला ने बताया इसको पायल से शादी कौन है? कल ही यूट्यूब शॉर्ट देखा था मैंने, जिसमें एक बंदा इस तरीके की बातें बोल रहा था कि मिथपैट लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं वो उर्मिला के साथ, कि वो उर्मिला उन्हें दहेज लाकर दे, इस तरीके की बात वो अपनी वीडियो में बोल रहा था। और वो बंदा अभी तो ऐसे बोल रही थी कि खुद मिथपैट का साला पायल को घर के अपडेट दे रहा है। अभी बोल रही है कि किसी दूसरे के शॉर्ट में देखा। देखो दीदी, इंटरनेट पे हर चीज को सच नहीं मानना होता। गलत चैनल खोल के देख लिया करो, कुछ सच नहीं है। लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिखाया, वो बस अपने मुंह से बोले जा रहा है कि भाई हाँ इस तरीके की चीजें उर्मिला के साथ करी है मिथपैट ने। लेकिन भाई ये गलत है, ये दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम तक डेट किया है, उससे पहले ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा, अब उल्टा बोल रहे हैं। आपस में बहुत ज्यादा भरोसा है एक दूसरे के ऊपर और बाकी सारी चीजें। तो आप लोग प्लीज इस तरीके की वीडियो मत बनाइए। जो भी लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ये तो उल्टा बोलने लगे आप। बनाइए भाई, किसी की बदनामी होती है ना, मिथपैट की बदनाम। ये क्या दिखाया भैया, पहले कुछ पहले फिर कुछ। पायल खुद क्लिकबेट नहीं बल्कि क्लिकबेट करने वालों को डांट रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। मेरी लाइफ के सिर्फ दो सपने थे, एक बार बस पायल जोन के मुंह से कुछ अच्छी बात सुनूं, और अब पहला सपना पूरा हो ही गया है। तो अभी सोच रहा हूँ लंदन जाके कोहिनूर लेके आ जाओ। थोड़ा यार, ना वीडियो क्वालिटी है ना कॉन्टेंट क्वालिटी, ऐसे वीडियो देखना इस लग अच्छी हेल्थ और टेस्ट साथ में मिलना मिल ही नहीं सकते। ऐसी सोच की वजह से बहुत लोग आनंद ले जाते हैं यार। वाव, आपके रेस्क्यू के लिए 4 पीनट बटर्स लाया। पहला वेरिएंट है क्रंची सुपर सीड्स। यस, पीनट बटर मेड हेल्दियर विद सुपर सीड्स। चाहे भाई सिर्फ पीनट बटर सब खाते हो गया, वो अभी बहुत हो गया। जब ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे पीनट बटर के साथ सुपर फूड्स, इसमें है सीड्स। क्यों ये सुपर फूड है और क्यों आप मिस नहीं कर सकते, सुनो। पहले तो पीनट्स प्रोटीन रिच है। नाउ सीड्स में प्रोटीन तो है ही, बट इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो इसमें आपको एक होलसम न्यूट्रिशन मिलेगा। शिया, पंपकिन, सनफ्लावर और वाटरमेलन सीड्स है, तो सब अलग अलग क्यों मिलेगा। इसके अलावा क्रीम वेरिएंट भी है जो कि मस्त है, एकदम एनर्जेटिक रखता है आपको। बाकी ये 100% नेचुरल है, मतलब नो पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर्स, ये सब डेंजर आइटम नहीं है इसमें। ऊपर से शुगर फ्री है, मैं तो क्रेट मंगा रहा हूँ इसका। ये इसमें गुड़, जैगरी यूज करते हैं। बाकी वीगन है, ग्लूटेन फ्री और कीटो फ्रेंडली है। कहाँ थे भाई अब तक? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर लेना। मेरा कोड यूज करो थगेश20, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% भी ऑफ मिलेगा। इनके वेबसाइट पे जो कि है वाव ऑर्डर, ये सीड पाउच आपको फ्री में मिलेंगे। तो अपना सीड पाउच प्लान करो एंड हैव योर प्लान बीबी। सो बी वाव नेचुरली।
हो आपके पास तो चलो आप फिर भी इस तरीके की वीडियो बनाओ, क्या है बेकार वीडियो है। आप ऐसे ही बिना सर पैर की बातें बोल रहे हो तो प्लीज मत बोलो, किसी को भी बुरा लगता है कोई अपने बारे में ऐसी वीडियो देखता है तो। यस, जब इसने सौरव जोशी ट्रिगर्ड इंसान वाले वीडियोस बनाए थे कि दे आर नो मोर, तब तो बहुत फुल रिसर्च किया था, मतलब बनाती रहती है, किसी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। कैसा होगा अगर पायल सर अपने खुद के चैनल पर रिएक्ट करे? तकेश तुम रुक जाओ, ये गाइस मेरे घर के बाहर आए थे मेरी स्कूटी चुराने के लिए, वो तो मैंने इनको पकड़ लिया था वरना मेरी स्कूटी चोरी हो जाती है। ये ऐसी खराब वीडियोस मत बनाइए, किसी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। तकेश को भी कहेंगे तुम मेरे घर के बाहर आए थे। दिखाना चाहूंगा इसका टीजर मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, शायद मेरे यूट्यूब के ऑडियंस ने ना देखा हो। इस प्रोजेक्ट पर मैं एक साल से मेहनत कर रहा था एंड फाइनली ये एक रियलिटी है अभी। सो गाइस प्रेजेंटिंग टू यू क्या आपको गेस्ट करना है नीचे कमेंट्स में, सही गेस्ट करने वालों को शाउटआउट दूंगा, बट दो चार दिन में आ ही जाएगा पहला एपिसोड। कमेंट से बताना, थकेश शो की बात बहुत हुई, अभी हॉरर शो देखते हैं थोड़ा। मिथपैट की बीवी उर्मिला अब हमारे साथ नहीं रही, वो हम सब लोगों को छोड़कर जा चुकी। क्या है वो बोलेगी ये किसी मैंने वीडियो में देखा है। हाँ, तो रो क्यों रही है? एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट देखा था जिसमें इस तरीके की बात एक बंदा बोल रहा था और वो बोल रहा था कि भाई उर्मिला हमारे बीच में नहीं है। कचरा यार, ये कौन सा शॉर्ट चैनल देख रही है? शॉर्ट देख लिया अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, छोटा भाई भाई है, हजारों मिलियन देखते हैं। हमारे बीच में नहीं रही, देखा बोलेगी मैंने देखा है कहीं। भाई ऐसे वीडियोस बना रहे, बहन उस पे वीडियोस बना रही है, सबका काम चल रहा है, घर चल रहा है। और भाई मिथपैट की शादी हुई, उसने खुद ने इतने वीडियोस नहीं बनाए, इतने इसने बनाए। आई वेंट टू मिथपैट वेडिंग, उनकी शादी हो रही है, मेरे को भी इनवाइट किया गया है क्योंकि मेरी काफी लंबे टाइम से बात हो रही है, मतलब मिथपैट से और उर्मिला से भी मेरी बातचीत हो रही है। हाँ, गाली खा रही है काफी लंबे टाइम से। आप सफाई करने बुलाया क्या? सुहानी दिखी और देखो भाई मेरे को देखे क्या इशारे कर रही है, मेरे को लग रहा है सुहानी का प्लान है कि अब वो मेरा भी माइंड रीड करने वाली है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। मेरे पास ही ऑफ कोर्स जो भी शादी में पायल जोन को देखेगा उसके ही पीछे जाएगा ना, पुराने हिसाब जो क्लियर करने, सबको मार जो चुकी है। सुहानी ने भी सोचा होगा, माइंड रीड कर लेती हूँ इसका, मालूम पड़ जाएगा अगला किसको मारने वाली है ये। और अभी मैं इधर उधर देख रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी और मेरे को थकेश दिखे हैं, थकेश बहुत अच्छे लग रहे हैं। फीचर किया कि हम जिंदा है यहाँ पे, अभी हम जिंदा है, आधी ऑडियंस को तो लगता होगा गया फोटो खींचना। ऐसी कोई वीडियोस की क्लिपिंग लगा के वो ऐसे बोल के दिखा रहे जैसे मैं मिल के काफी एंजॉय कर रहे थे एंड मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं गेम खेलने के लिए, तो मैंने वहाँ पे चुपचाप अपनी वीडियो ही बना ली क्योंकि भाई दीदी गेम तो तू खेल रही है पूरा यूट्यूब कम्युनिटी के साथ, अच्छा हुआ खेलने नहीं दिया, वरना जो कर जीतती नहीं ना यूट्यूब चैनल पे खुद को मार देती और सब पे केस कर देती। स्ले पॉइंट से भी आज पहली बार मिली हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और दिल को सुकून सा मिल रहा है इनसे मिलके। और ये लगता है गलती से पायल की वॉइस की जगह रोनी का आवाज डाल दिया एडिटर ने, सुकून सा मिल रहा है इनसे मिलके। और ये रहे सारे बाकी सब लोग, अरे हम ये देखो सुहानी, साइमन को तो पायल जोन भी इज्जत नहीं दे रही है। क्या पायल ऐसा क्यों कर रही है, उसको भी क्लाउड मिलना चाहिए तेरे चैनल से। मिथपैट एंड उर्मिला गेटिंग डिवोर्स्ड, भाई शुरुआत ही खराब हुई है, साइड कर लिया है कि ये दोनों अब अलग हो जाएंगे, वो भी किसी ने बोला होगा अच्छी है ये बात, बिल्कुल 100% ये मैंने कहीं देखी है कि ऐसा ये लोग, अगर इसके कोई सब्सक्राइबर्स हैं तो भैया कौन हो तुम लोग, मुझे अपनी शक्ल से बताओ, दिखाओ डिवोर्स भी हो रहा है। हुआ ये है कि जब से इनकी शादी हुई है लगातार इनके बीच में फाइट, कैन वॉच दिस थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर इनकी लड़ाई हो जा रही है, मतलब क्या बताऊं मैं, ये लड़ाई तो होगी ना, इसको जो बुलाया शादी में, किससे शादी हुई है उर्मिला, ये मैंने कई वीडियोस में देखा था ना उसको, मैंने
देखा हुआ है, आई थॉट बहन है, कि घर में खत्म करो ऐसा भी कोई, आई थिंक यही थी मैंने देखी, घर पे रहती है उनके, मुझे कोई आईडिया नहीं था। अगर आप राय पूछेंगे तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और देना चाहिए, इतनी जल्दी अभी अभी शादी हुई और अभी इन्होंने डिवोर्स का भी सोच लिया, मैंने कहीं देखा था, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, थोड़ा बहुत। पायल दीदी आप अपनी राय को भी अंदर ही अंदर मार देना, वो आपकी तरह जिंदा रह के कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है। रीजन बिहाइंड मिथपैट एंड उर्मिला मैरिज इज हर प्रेगनेंस, दिस इज गोइंग टू एक्सट्रीम, ऐसे किसी की लाइफ तो ऐसे क्या बेकार का। गाइस मिथपैट और उनकी गर्लफ्रेंड उर्मिला ने जो शादी कर ली है एकदम से अचानक से, जो उन्होंने शादी कर लिया ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वही वजह बताने के लिए मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबियत खराब है, मैं जो मिथपैट की शादी में गई थी तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था जिसकी वजह से मेरे को सर्दी लग गई है, और इसलिए मैं फेस पैक क्या कर रही है दीदी, शादी में ऐसा धंधे कर रही है, काउंटर पे धंधा खत्म हो गया, देख वेटर को भूतनी के ऑर्डर दे। इसने लगातार 3 वीडियो में पहले यही बात बोल चुकी है, फिर उनका डिवोर्स हो गया ये भी बोला, अब बस कहानी में ये ट्विस्ट बाकी है कि पायल मिथपैट को लेके भाग जाए। रॉनी मिथपैट एंड उर्मिला फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। जानती हूं मैंने तो कुछ गलत वीडियोस बनाई है इनके लिए, मैं वो चीज अपने आप एक्सेप्ट करती हूं कि भाई इनकी अभी अभी शादी हुई थी लेकिन मैंने इनके ऊपर गलत वीडियोस बना दी, भाई इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है और उर्मिला शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी, इस तरीके की मैंने गलत वीडियोस बना दी, चलो ठीक है, लेकिन वीडियो का रिप्लाई वीडियो से भी तो दिया जा सकता था, मैंने वीडियो बनाई। अब अगर मेरे वीडियो पर रिप्लाई आया, लास्ट वार्निंग, तो लोग बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, तो सबकी नेकी करने के लिए मैं पायल को दरिया में डाल के आऊंगा पर्सनली, उसका लग रहा है उसकी गलती कितनी छोटी है, अरे गलती है आपका दिमाग नहीं, पायल को लगता है कि समाज में उसके जैसे विचार रखने वाले लोग ना एग्जिस्ट करते हैं, मैं मानता हूँ करते, तो उसको कौन बताएगा ऐसे लोग जेल में एग्जिस्ट करते। आई एम सॉरी बाबू। नमस्कार दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल रही है, पीछे बोर्ड भी बनाया हुआ है उर्मिला के बारे में, गाइस ये खबर बहुत कहानी में ट्विस्ट, ये मिथपैट को नहीं उर्मिला को लेके भागी है, ये शादी में आई भी नहीं फिर भी इसको सब पता है, नियॉन मैन शर्म कर, बूफे से तेरा ध्यान हटेगा तो न्यूज दिखेगी ना तेरे को, इसको देख की शादी हुई थी और अपनी शादी के बाद वो लोग हनीमून के लिए जाने वाले थे, तो वो बहुत सारी जगह का उन्होंने प्लान किया था मिथपैट और उर्मिला, बताया तो साथ में बहुत सारी जगह पे जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाकर हम हनीमून मनाएंगे, मतलब कुछ भी मन करण कहानियां बनाई जा रही है और वीडियो पे और यूट्यूब पे पोस्ट भी कर रही है अपनी दूसरी लोकेशन। मिथपैट का गलती है, सब घर वालों से पहले इसको काय को बताने का, उर्मिला के हाथ में है ना तब मारेगी इसको, ये लेवल हो रहा है। वो अपनी दूसरी लोकेशन पे पहुंचे थे मनाली में, और मनाली में ये घटना हो गई थी, मनाली की ये बात है, हुआ ये था कि जब ये लोग सोए थे रात को तो दोनों साथ में सोए थे मिथपैट और उर्मिला, सब कुछ ठीक भी था इनके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा। चलो अभी दीदी कहानी सुनाएंगे बच्चों, मुझे अभी लगने लगा है ना तारे जमीन पर ईशान के जो पापा थे ना, पहले मेरे को बुरे लगते थे, अब लग रहा है ऐसे बाप होना चाहिए, पायल जैसे बच्चों को बचपन में डिमोटिवेट कर दो ना, बड़े होके ऐसी हरकत ना करे, करो डिमोटिवेट, बट आई थिंक पायल जोन को ट्रीटमेंट का जरूरत है, नहीं रोस्ट ट्रीटमेंट बहुत हो गया, अभी रोस्ट से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको मजा आ रहा है। अगर आप फगेश शो के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ, पहला एपिसोड तो हो गया, कौन गेस्ट है ये गेस्ट करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, यही पे पैड बोला बताओ भैया, डन से डन से हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। यार इसको देख के खासकर वो कौन थी पायल करके जो भी बोल रहे थे, इफ दिस इज द कंटेंट जो YouTube में आ रहा है भाई, कुछ तो रूल regulations बनाओ YouTube वालों, सैड कुछ तो करो। ये है कि वो जो पायल के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे मे बी, और वही एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात है, क्या लेवल है, कैसे क्या दिखा कर ये सब जब दिखता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि पता नहीं देश का GDP कैसे बढ़ेगा, आई डू नॉट नो। इस टाइप से टाइम वेस्ट करके इस टाइप की वीडियोस बनाना, चलो उसने तो वीडियो बना ली, उसने तो अपना काम था कि भैया मैं व्यूज लूंगी पैसे कमाऊंगी, जो जाके इसको देखते होंगे वो कौन है, मैं तो वो सोच के हैरान होती हूँ, कई ऐसे चैनल्स हैं जिसमें मैं देख सोचती हूँ कि इसमें जाकर जो देखता होगा वो इंसान कैसा होगा, उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वो सोच के मैं हैरान होती हूँ कि जैसे ये लेडी है, इस लेडी को कौन देखेगा, आई मीन शी इज टॉकिंग सो इलॉजिकल, इट्स सो लो लेवल कि मेरे से ये वीडियो नहीं देखी जा रही थी कि इतना राइट। देखिए अगर किसी के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरे को तो पता नहीं, आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है,
मगर इतना जरूर है कि ये चैलेंजेस आएंगे इंडिया को अपने जीडीपी बढ़ाने में। बिल्कुल, और भैया यूट्यूब वालों कुछ अपना लेवल ऊपर करो, कुछ कोई रूल रेगुलेशंस करो कि भैया इस क्वालिटी ऑफ वीडियोस जो है वही एक्सेप्ट होंगी, इस ऐसी क्वालिटीज जो है नहीं होंगी। कोई अपना क्वालिटी मेंटेन करो, ये थोड़ा कि कोई भी आयरा गैरा नथु गैरा वीडियो डाली जा रहा है जो मन में आए। दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। भैया आप भी अपने इनपुट डालना कमेंट सेक्शन में, पढ़ेंगे हम भी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।